वर्ल्ड बैंक की कोलाबोरेशन में स्टार्स प्रोग्राम चल रहा है, स्टार्स स्कीम चल रहा है। वर्ल्ड बैंक ने जिन राज्यों में उनकी काम चल रहा है उसी राज्यों के कुछ जिलाओं को हाथ में लेते हुए उन्होंने एक प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के आधार पे स्किल्स कंडीशन क्या है, स्किल की स्थिति क्या है, उसकी एक समीक्षा की है, एक रिपोर्ट बनाई है। उसमें जो फैक्ट है, जो रिक्वायरमेंट है, बच्चों के मन में जो अपेक्षाएं हैं उसके बारे में उल्लेख है। वहाँ अपॉर्चुनिटी क्या है, संभावना क्या है उस उन उन जिलाओं में, जो आगे चल के एक रिकमेंडेशन उनके, इसको एक पैन इंडियन मॉडल के नाम पे इसको सैंपल लेते हुए उसके पैन इंडियन मॉडलिंग भी किया जा सकता है। और दुनिया में आज की जो नया अर्थनीति आ रही है उस अर्थनीति में नया नया स्किल सेट क्या इमर्ज किया है, कर रहा है, उसी के ऊपर उस रिपोर्ट है। बहुत अच्छा रिपोर्ट बनी है। हमने उसको आज हमारे मित्र मनसुख मांडविया जी जो लेबर मिनिस्ट्री दिखते हैं, स्किल मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया गया। हम तीनों मिलके भारत में जो एक युवाओं की देश है, भारत की 65% आबादी 35 साल की उम्र के नीचे है। 2015 में जो समीक्षा थी लगभग 25% जॉब की नेचर बदल चुका था। 2028 आते आते ये संख्या, ये परसेंटेज 44% हो जाएगी, यानी नया स्किल्स आवश्यकता होगी, नया प्रोफेशंस इमर्ज कर जाएंगे, पुराने भी रहेंगे लेकिन नए भी आ जाएंगे। और भारत जब एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जब हम विश्व की एक रोबस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, उस समय में हमारी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, मानव संबल के ऊपर निरंतर स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की अप्रोच लेके जाना पड़ेगा। और ये जो प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश को एक ग्लोबल स्किल हब बनाने की कल्पना रखा है। ना केवल हम अपना ही अर्थनीति को मजबूत करेंगे, दुनिया की, भारत दुनिया की ग्रोथ की ड्राइवर बनने वाला है, नेतृत्व करने वाला है। उस समय में हम अपना स्किल कैपेसिटी को बढ़ानी पड़ेगी। और स्कूल एजुकेशन से ही NEP 2020 ने यही रिकमेंडेशन किया है, स्कूल की समय से ही स्किल के बारे में व्यवस्थित पढ़ाई हो, पाठ्यक्रम बने, उसकी क्रेडिट रेटिंग हो, तब हमारी बच्चों की दक्षता बढ़ेगी। इस दिशा में आज की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, एक लंबे समय के लिए इम्पैक्ट देगी। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।